डॉक्टर हाँ तो डॉक्टर किसने बनाया? तो यार आज के गुड मॉर्निंग करेंगे छत से, नहीं ना ग्राउंड से, सीधा बस से, टेम्पो ट्रेवलर से। गुड मॉर्निंग झूले, नमस्ते। एक्साइटमेंट देख सकते हो कैसे है। फाइनली वी आर गोइंग टू हाउस ऑफ जॉश। तो रूट अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हम लोग अभी बाकुला केव जो है वहाँ पे उतरेंगे, उसके बाद सिंगरागोमा तक जाएंगे। बाकी हमारा डॉक्टर तो पागल ही हो गया है। ऑफलोडिंग हो गई है और हम लोग पहुंच गए हैं जहां से हमें स्टार्ट करना है, यानी बाकुला केव। जोश लोगों का इस समय बहुत हाई है, जिस चीज़ की हम लोग लगभग 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे आज वो हमारे सामने है और हम वो चीज़ करने जा रहे हैं। हाय सुपर, इट्स ऑसम गाइस, हियर अब भी ब्लॉग करो, ब्लॉग करो गाइस, वी आर ऑल सेट फॉर द चादर ट्रक, दिस इज द डे वन। ओके तो यार चलो चलते हैं यार, स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैक को, आपको नज़ारा दिखाए थे यहाँ का। धीरे धीरे ऐसे चलते रहेंगे और हम पहुँच जाएंगे चादर के ऊपर। ये एक दूसरा ग्रुप है जो ऑफलोड हो रहा है, हमारे पोर्टर्स लोग। ये देखिए सामान, तो जी उतर रहे हैं नीचे चादर की तरफ। और सर ये हमारे गाइड, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ताशी है सर। ताशी सर जी, सर क्या पोजीशन है, आज कहाँ लेके जाने वाले हो? आज हम जा रहे हैं सर सिंगरागोमा। तो सिंगरागोमा जाएंगे जी सर। बढ़िया, और मौसम वौसम सब बढ़िया है? मौसम अभी इतना मौसम क्लीन भी नहीं हुआ, तभी भी नॉर्मल है जी, नॉर्मल है। चलते हैं जी धीरे धीरे चादर की तरफ। तो जी चादर से कुछ ही कदम की दूरी पे हम, पीछे चढ़ाई देख लो यार, उतराई जिसे कहते हैं, ग्रुप करके आ रहे हैं नीचे आराम आराम से, और सामने है चादर। वाओ मैन, जिस चीज़ का लगभग 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी, फाइनली मैं उस पर कदम रखने वाला हूँ यार। जैसा आइस मिलेगा तो पाँव ऊंचा नहीं लगाना है, बिल्कुल ऐसे घिसा के, थोड़ा जिस्म जो है सीधा नहीं करना है, थोड़ा ऐसे जैसे कि आइस स्केटिंग मारता है ना, वो जैसे सेम टू सेम ऐसे चलना धीरे धीरे। एक तरफ से यहाँ चलने में खुशी भी है, एक तरफ से रिस्की भी है, बुरा भी है, ऐसा होता है चादर। ठीक है, तो ताशी जी ने हमें गाइड कर दिया है कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ग्रुप की इंट्रोडक्शन चल रही है और देख लो कुछ कदम जो है फ्रोजन रिवर पे। तो ये बन रही है मैगी और ये लोग हमारे पोर्टर भाई जो मैगी बना रहे हैं। अभी हमने गरम चाय भी पी है, प्लस हमारा ग्रुप है, ये लोग भी सब गरम चाय की चुस्की लगा रहे हैं। बढ़िया, यस बढ़िया, ऑसम, इट इज नॉट बढ़िया। ओके ओके रंजीत भाई, हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग को। सो पोर्टर से एक बार ही इंट्रोडक्शन कराए थे हैं। भैया आपका नाम? बोलते हैं आपका नाम? चिल्ले। आपका? मैगी वाले भैया, आपका नाम? संजीन थरके। तो
वही मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा लंच हो रहा है, मस्ती करेंगे और फिर चादर के ऊपर निकल जाएंगे सिंगरा कोमा तक। ये देखो यार, वोटर भाई साहब जा रहे हैं हमारे। खाना हो गया है और पीछे हमारा ग्रुप आ रहा है, सो देख लो कुछ चंद कदम हमारे स्टार्टिंग फेसेस के जो कदम होते हैं चादर पे। क्या नजारे हैं यार। सो ताशी जी, अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से? यहाँ से 3 घंटा। 3 घंटा? सोचो अभी 3 घंटा चलना है यार। हाँ। क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या होगा? ना सुंदर पहाड़ी होता है, नदियाँ, पानी होता है, आइस होता है। अच्छा, अब वो पहले बार आ गया होगा ना? हाँ, हम पहली बार आए चादर। हाँ, तभी तो बहुत सुंदर लगेगा। हाँ। हम तो यहाँ चलते चलते बस अभी तो कुछ नहीं लगता। अच्छा चलो, ठीक है। मतलब ताशी जी कह रहे हैं कि मतलब पूरा पैसा वसूल होगा। हाँ। मजे आएंगे, नजारे देखने को मिलेंगे, बढ़िया है जी ताशी जी। जी हाँ पक्का जी। चलो तू कब से आगे पीछे देख रहे हैं, पीछे कर रही लड़की मेरा। अच्छा बाय द वे, ये कोमल है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था ग्रुप में। ये बर्फ में रोका नहीं होगा। क्या कह रहे हो ताशी जी? बर्फ में जैसे ये जैसा आइस होगा ना, वहाँ पाँव को निशान नहीं देखेगा। अच्छा, तब रास्ता आप भूल जाता है। हाँ मतलब वो जो ट्रेल्स बनी होती है ना, उससे रास्ता मिल जाता है। हाँ। वोटर्स को साइड देनी चाहिए क्योंकि हाँ। ये लोग आगे जल्दी जाते आगे हैं। निकालेगा ना ये। हाँ। थे, थे, थे। जाओ। हमारा पोर्टर गैंग जा रहा है हमारी जरूरतों का सामान लेते हुए। और ये देख लो यार, वाह कोमल। हाँ जी। नहाने का मन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। नहीं। किसी का मन कर रहा है नहाने का? देखो यार, वाह क्या तेज फ्लो है यार। डॉक्टर क्या हाल है भाई? कुछ नहीं भाई, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? जबरदस्त, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, करना चाहिए। ईच एंड एवरीवन मस्ट एक्सपीरियंस दिस। हाँ देखो यार, हमें भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ तक, निराग तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसको यस, प्योर एंड सीरीन हम जरूर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, चलते सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए। हाँ, धूप चाहिए यार कुछ ना कुछ। चलने के बाद सीन बदल जाते हैं। ये देखो ठीक जांस्कर रिवर के बीच में खड़ा हूँ मैं। गर्मियों में यहाँ पे राफ्टिंग होती है और फ्लो सोचो कितना बढ़िया होता होगा। ओहो, देख के भाई देख के अभी स्लिप हो जाता मैं, बच गया। यहाँ से भी चादर जो है वो टूट गई है बिकॉज ठंड, फिर से गिरते बचा, स्लिपरी हो रहा है यार ठंड के कारण। जैसे बता रहा था ज़्यादा ठंड पड़ती है तो शीट जो है ज़्यादा हार्ड हो जाती है और टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखो बिल्कुल ही पास से निकलना पड़ रहा है। और ये है कच्चा चादर, क्योंकि मेरे हिसाब से कल रात को ही फॉर्म हुआ है अभी। झूले, ये हमारे आर्मी वाले जा रहे हैं सर सारे। झूले सल्यूट यार, सल्यूट इन लोगों को। हाउ आर यू फीलिंग? ओह हाई, फीलिंग हाई।
long way to go today. Yeah. 15 kilometers. We are, hope we are already covered around 2 kilometers. Yeah. Around 2 kilometers, we have covered. Yes. Salaam alaikum. Walaikum salam. So, ji, pehli kachchi chadar aa gayi hai, jiske upar se dekh ke nikalna padega. Oh ho ho ho. Nikal gaye bhai. Yahan se to nikal gaye. कच्चा चादर जो अभी तक का सबसे डिफिकल्ट सीन होने वाला है वो आ गया जी. ये दोनों तो हाथ पकड़ के निकल रहे हैं, हमें अपने आप निकलना पड़ेगा भाई. हो स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली, जिससे कि गमबूट्स में पानी ना जाए और वेट जो है आगे की तरफ रखो. जितना वेट आगे की तरफ रहेगा उतना सेफ रहेगा. लड़की के बाजे देखो, सर्टिफाइड. या कर लिया. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अब शर्त के हिसाब से ना इसको 5 किलो का केक खरीदना पड़ेगा जब हम लोग ले वापिस पहुंच जाएंगे. 5 किलो का केक. ताशी जी आप भी इनवाइटेड हो. हाँ नहीं की रखा लड़ी हूँ फल डाले चला गए. अभी हमें ना 5 किलो का केक ये लड़की देखी. हाँ फिनिक्स जैसे पर 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 5 किलो का केक तो आएगा ना. लगना हैप्पी बर्थडे टू यू. एक और 5 किलो का केक आ गया भाई. चलो ठीक है, इन्होंने बता दिया गिरना कैसे है, हाथ नहीं लगाना क्योंकि फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं. ये देखो जी क्रिस्टल क्लियर चादर है. शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, रात हो जाएगा नहीं तो. जहाँ चादर टूटी होती है वहाँ पे ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है. चल रहे हम भी ऊपर की तरफ ही. तो जी हम लोग अभी फिलहाल ऊपर की तरफ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नीचे का सीन कुछ ये है. चादर पूरी तरह अभी बना नहीं है नीचे और बहुत जगहों से टूटा हुआ है, तो इसलिए हमें ये पहाड़ों के पास वाला रास्ता लेके चलना पड़ रहा है. एक गलती रह गई, हमें इन लोगों ने आधर करके कोई जगह है वहाँ पे उतारा था, तो अभी हमें बाकुला केव देखना है. यार बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है यार यहाँ पे, तो आज के लिए सिलेक्टिव शॉट्स लेंगे. तो नेक्स्ट जो शॉट होगा वो मिलेंगे हम सीधे जाके बाकुला केव पे. चलो सामने दिख गई है जी फ्रोजन वाटरफॉल और ये रास्ता अभी हम कवर करके आए हैं और मज़ा आ रहा है यार. जब भी कैमरा अपनी तरफ करता हूँ ना साला स्लिपी हो जाता हूँ मैं. ये बाकुला का नाम ऐसा है जी. हाँ जी, एक किंग का बेटा है बगुला बोल के, एक लामा था ना वो संस्कार में जन्म लिया पहले जन्म में, इसी जन्म नहीं पहले जन्म में. ठीक है, फिर उस टाइम पर रोड नहीं था कहीं से भी, यही चादर से जैसे हमारे ये चादर बन जाते ना
सर्दी के टाइम पर, उस टाइम पर लामा जी हमारे वो पब्लिक लोग ने उठा के लाया, फिर वो नाद में इधर बैठा सामने पास वाली गुफा में, फिर वहाँ वो गुफा जो है ना उसने बुझा क्या उधर बैठ के एक हफ्ता। अच्छा हाँ, फिर वहाँ से जा चले। अच्छा तो ये थी बाकुला केव की कहानी, सामने दिख रही होगी यार। हाँ, बाकुला केव। सो ये है बाकुला केव और पृथ्वी भाई यहाँ पे खड़े होकर सांसें ले रहे हैं। इधर गुरु रिपोची ने मेडिटेट किया है बहुत बार। हाँ, हम भी उनका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं चादर ट्रक सक्सेसफुल होने के लिए। चलिए, ताशी जी ने भी कहानी बता दी थी और पृथ्वी भाई ने भी बता दी कहानी। ये बढ़िया जगह है जहाँ पे लामा जी ने मेडिटेट किया था और हमें चादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए यार। सो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सनसेट होने वाला है, चलते हैं यार। अभी बहुत लंबा रास्ता कवर करने के लिए बचा है। हाँ जी डॉक्टर जी। कुछ नहीं यार। क्या हुआ, आप इतने शांत कैसे हो यार, ये बताओ। बस में तो बहुत आप कर रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे हम। कुछ नहीं यार, मैं वही तो बोला था। क्या बोला था? चादर मतलब मैं शांत रहूंगा। हाँ, और गाड़ी में मैं बकवास करूंगा। अच्छा, मतलब चादर ट्रैक में आपकी फट रही है ना, कहने का मतलब ये है। फट भी रही है, मजा भी आ रहा है, दोनों टू इन वन एक साथ हो रहे हैं इनके साथ। कहाँ खड़े डॉक्टर हम भाई? वाटरफॉल देखो, क्या नाम है इसका, देखो यार। फ्रोजन वाटरफॉल। फ्रोजन नहीं है भाई, ये निराग का छोटा भाई है, देख लो यार। फ्रोजन वाटरफॉल, निराग का छोटा भाई। उधर तो भाई स्लिप हो रहा है, देखिए। ओ दोस्त लोग, आप इधर देख सकते हैं, आइस जो है पूरा इधर निकल के आ रहे है। देखो ऐसे आवाज कर रहे है, मतलब इसके नीचे पानी है और ये आइस का थिकनेस भी उतना नहीं है, कभी भी ये ब्रेक डाउन हो सकता है। देखो देखो यार नज़ारे, देखो असली चादर वाले नज़ारे। हे भाई असली चादर। चलो ये है जी खतरनाक वाली चादर, तो ये कहते हैं ना पेंगुइन की तरफ चल रहे हैं, वैसा हो रहा है भाई, स्लिप हो रहा है भाई, खतरनाक खतरनाक वाला स्लिप हो रहा है भाई। पृथ्वी जैक्सन, माइकल जैक्सन के भाई पृथ्वी जैक्सन। वाह जी वाह, दिस आइस पैच वाज रियली गुड। या मजे आ गए जी, मजे आ गए, हमने आज आइस स्केटिंग सीखी यार। जय माता दी। ओ, मैं और ताशी जी वेट कर रहे हैं हमारे ग्रुप का। हाँ, अभी ग्रुप बहुत पीछे रह गया। अच्छा, क्योंकि ऊपर से पानी भर जा रहा है, इसीलिए हम इंतजार में बैठा, थोड़ा बहुत ये लोग वॉक जो है ना जल्दी करेगा सोच के। गाइस कम फास्ट, देखो सामने आ रहा है हमारा ग्रुप। हाँ जी, और आगे हमें क्या क्रॉस करना है, ये सनसेट हो ही गया लगभग, होपफुली जल्दी पहुंच जाए हम लोग, क्योंकि रात में ट्रैकिंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है यार। इस वजह से हम इधर में बैठा है, क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है पीछे रह गया, ये लोग थोड़ा जल्दी कर चले जाएगा। देखो जी स्लोप आ गया जी, टूट गया है ये चादर पूरा, ये देखो। चलते चलते आराम से आराम से, हाथ ऐसे पीछे कैसे पकड़ा है। चलो बहुत ही स्लिपरी था यार। फाइनली डॉक्टर मुझे लाइट दे रहा है और हम लोग रात को 7:30 बजे के अराउंड पहुंच गए थे यहाँ पे इंगलाकोमा में। हम अभी अपने स्लीपिंग बैग में हैं और इसमें घुसना और इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत कुछ सीखा यार आज, पहली बार गमबूट्स में चले और गिरे भी। हाँ, और बहुत तीन चार बार हाँ तीन चार बार गिरे और मतलब
पांच छह केक हमें अब ले जब पहुंचेंगे वो खाने को मिलेंगे, पांच पांच किलो के, पक्का क्योंकि हमने शर्त रखी थी कि जो जो गिरेगा वो केक खिलाएगा। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। फिलहाल स्लीपिंग बैग में जो गर्मी मिल रही है वो कहीं भी नहीं मिलेगी भाई। स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग है भाई, स्वर्ग स्वर्ग है। तो यार चलते हैं अब सोने के लिए, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह दोबारा। हर बार की तरह अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। दिस इज रिश राइडर साइनिंग ऑफ। I breathe you in 'cause you sensed it all.